एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रवि और अर्जुन रहते थे। वे अपने मजबूत बंधन के लिए जाने जाते थे और एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी सुनहरे सेबों से भरा थैला लेकर उनके गांव में आया। सेब हर किसी की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, मगर सिवाय इसके कि आपको ये सेब किसी दूसरे के साथ बांटना होगा। रवि और अर्जुन दोनों ने एक एक सेब खरीदने का फैसला किया। जब वो बूढ़ा वापस चला गया, मैं बेपनाह दौलत की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं अपने और अपने खानदान की भलाई की ख्वाहिश करता हूँ। कुछ दिन गुजरे कि रवि अमीर हो गया और दौलतमंद भी, और अपने दोस्तों को भूलने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन और इसके खानदान की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ने लगी। एक दिन रवि को अपनी ख्वाहिश पर अफसोस हुआ और वो वापस अपने दोस्त अर्जुन के पास गया। अर्जुन की जिंदगी में खुशहाली देखकर वो ख्वाहिशात की असल तकमील को समझ गया। और फिर रवि ने अपनी सारी दौलत अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वक्फ कर दी।